अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा का रिव्यू। ये चक्की आटा में बताया हुआ है कि 0% मैदा है और 100% आटा, यानी गेहूँ होल ग्रेन से बना हुआ है और ये ITC ब्रांड का है। ITC ब्रांड इंडिया में बहुत ही जाना माना और छाया हुआ ब्रांड है। इसका क्लासमेट कॉपीज़ बहुत ही हाई डिमांड पे है स्टूडेंट्स का, एंड शैम्पूज़ वगैरह ऑयल प्रोडक्ट्स है वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ये आशीर्वाद आटा का जो प्राइस है फ्रेंड्स, वो है 1 KG का 42 रुपीज़। यहाँ पे आपको उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 42 मेंशन्ड है, पर शॉप ओनर हमारा 40 रुपीज़ लिया था। तो बस 2 रुपये कम करने से कुछ ज़्यादा कम नहीं हो जाता। और वैसे भी जो बाकी मार्केट में 2 तरह के आटे आते हैं, एक लाल और एक सादा। सादा आटा में मैदा ज़्यादा होता है और लाल में कम। तो लाल आटा बहुत कम, मोस्ट 28-29 में इस तरह से आपको पर केजी मिल जाता है। तो जो आशीर्वाद आटा से बहुत ज़्यादा सिफायता है। बट इसका भी एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि इसका जो ये यहाँ पे ग्रीन साइन, ये मीन करता है कि ये वेजिटेरियन जो है वो इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं। और यहाँ पे जो जब आप इसे टच करते हो ना, जब आप इसे वो बनाते हैं इसका गोला, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म फील होता है। ऐसा लग रहा है मानो चक्की से जस्ट अभी पिस कर आया है। एंड जो टेक्सचर है ये भी काफ़ी स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। और ऐसा लगता है कि यू नो 100% आटा ही आप यूज़ कर रहे हो। पर फिर भी बजट के हिसाब से देखा जाए तो 40 कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इन कंपेरेटिवली 28-29, है ना, जिस जो हमें लाल आटा के लिए पे करना पड़ता है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये हमारा फर्स्ट परचेस था और आई होप आखिरी भी है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप थोड़े संभल के चलते हैं इन केस ऑफ बजट। और जो 2 टाइम का रोटी बनाते हैं सुबह एंड नाइट, और अच्छा खासा फैमिली मेंबर भी जिनके फैमिली में है, तो उनको मैं सलाह दूंगी कि जो बड़ा पैक होता है वही ख़रीदने के लिए। उससे क्या होता है, बहुत 28 का यू नो 25-26 में वो आसानी से मिल जाता है पर केजी। इस तरह से आप 40-45 का एक उठा लेंगे तो आपका महीना आराम से चला जाता है। जो मार्केट में अदर्स टाइप का आता है मैं मेंशन कर दूँ, एक डालूमिया गोल्ड आता है वो अच्छा है, और एक आता है अमृत भोग वो भी अच्छा है। तो यही सारे आटे आप ले सकते हैं। और रिमेंबर लाल आटा, क्योंकि सफ़ेद आटा में मैदा ज़्यादा होता है, उससे आपको कम न्यूट्रिशन मिलता है। सो यही इसका रिव्यू था फ्रेंड्स। अगर आप और भी कुछ जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें जानकारी देते हुए खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।